आपने पानी लाना भूले, मुझे आती है ना इतनी प्यास लग रही है। लो सबको प्यास हो रहा है, लग गई। गिर मत जाइयो उमेर, ये बंदर। अभी बच्चे तो ऊपर चढ़े, उसमें गिर गए हम, मुझे तो लटक ही नहीं गए बिल्कुल भी उसके ऊपर। मम्मी कैसे एंजॉय कर रही है साथ हम। चप्पल उतार दो पहले, मैं नाश्ता हमारा आ चुका है और अम्मी पापा लगा रहे हैं नाश्ता दोनों मिलकर। कल इनकी लड़ाई भी हुई थी। नेक्स्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा होगा अम्मी पापा की लड़ाई हुई थी। चलो नाश्ता करते हैं हम। इसका हलवा आगे, पापा इसके लिए हलवा लाए हैं। दादा कचौरी पापे, ये वाली कचौरी सही लगती है। हाँ ये अच्छी लगती है। चलो स्टार्ट करते हैं। भैया अम्मी मेरे लिए कपड़े और ये पूरा घर देखिए कैसे फैला पड़ा हुआ है, यहाँ पे बच्चे कैसे खेल रहे हैं। तो अभी मैं जाती हूँ फ्रेश होने के लिए, मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। A few moments later. फ्रेंड्स नहाकर मैं आ चुकी हूँ, तो अभी मम्मी भी नहाकर अभी आई थोड़ी देर पहले ही। सलाम कर लो भी, बहुत दिन से तुम्हें सलाम भी नहीं कर रहा। अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से, आप खैरियत से होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो अभी इतनी धूप हो रही है ना, अभी सिस्टर को ही फ़ोन करा था अपने बड़ी वाली अपनी सिस्टर को कि कहाँ जाए, तो कहीं लग गई कि मैं नेक्स्ट संडे आऊँगी। हम उनको बुला रहे थे कि कहीं चलते हैं फैमिली पूरी, तो नेक्स्ट संडे आएंगी वो। तो अभी हमारा भी जाने का प्लान हो रहा था, मैंने कपड़े वगैरह सब निकाल के रख दिए। मैंने अभी ये पहन लिया है क्योंकि मैंने कपड़े चेंज नहीं करे, धूप इतनी तेज़ हो रही है ना बहुत ज़्यादा। दूसरी बात, उसने बेटी ने मना कर दिया कि अभी अगले संडे चलेंगे कहीं जाएंगे, तो अभी से नहीं जा रहा। बच्चे भी जिद करते करते सो चुके हैं वो, क्योंकि हमने लेके ही नहीं गए कहीं पर। धूप तेज हो जाए, धूप थोड़ी हल्की होती फिर सोचते हैं कहाँ जाएँ कहाँ नहीं जाएँ। अभी हम थोड़ा रेस्ट करते हैं, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। जल्दी उठकर जल्दी से हम तैयार हो रहे थे ना मिरर में, तो अपने कपड़े ले आए जल्दी से, दोनों तैयार हो रहे हैं। ये जलेली ब्रेसलेट पहले सलमान खान वाला, ये कहाँ लेके जा रही हो मैं इनको? हाँ सबको पता है खराब हो चुका था, तो मम्मी ने फिल्टर वाले भैया को बुला लिया था, तो यहाँ पे फिल्टर सही हो रहा है। तो मैं जा रही थी बाहर बच्चों को लेके, लेकिन वो फिल्टर खराब पड़ा हुआ था। अभी आ रहे तो मैंने बोल दिया मेरा भी चेक कर लो। अब ये कह रहे हैं बोतल डलेंगी तो मेरी इसमें अभी आता है जो फिल्टर अंदर का खराब है दोनों। हाँ। तो सेडिमेंट फिल्टर है तो कार्बन है, पानी ब्लॉक हो रहा है। अच्छा। आगे मोटर को पानी नहीं मिल रहा है। अच्छा। तो ये मैं चेंज कर रहा हूँ। अच्छा। इसलिए हमारा पानी नीचे मम्मी, चलो रक्षा तो हमने कर लिया है, लेकिन हम पानी की बोतल लाना भूल गए। पहला चांस ऐसा हो जब पानी लाना भूल गए, मुझे आती है ना इतनी प्यास लग रही है। लो लो सबको प्यास हो रहा है, लग गई तुम्हें तो नहीं लग रही? नहीं मुझे नहीं लग रही। बताओ हम पानी की बोतल भूल गए लाना, मुझे पानी पीना था, फिल्टर सही करना, मैं चेक करना था। पानी चेक नहीं करना क्या, थोड़ी देर रुक जाऊंगा। थार जा रही है, सब पीछे पड़ गए, थार फेवरेट थार जा रही है। क्या फेवरेट वाली ब्लैक वाली के थार? हाँ। लेगा? हाँ, कह रहा है बड़ा होकर थार लूंगा। तुम क्या लोगे? मैं भी थार कैसे लोगे? ओ हम जा रहे हैं हाथी पार्क बच्चों को लेके, ठीक है? मुझे प्यास लगी है। प्यास लग रही, प्यास लगी बोलता रहेगा ये। हम उतर चुके हैं क्योंकि आगे रक्षा नहीं जा सकता, हम नो एंट्री से आए हैं और अपोजिट साइड से, तो यहीं से हमें उतरना पड़ रहा है। तो अब हम चलते हैं। पहली बार जा रहे हो बच्चों तुम? नहीं, दूसरी बार। दूसरी बार, पहले भी इनको मैं लेके गई थी बच्चों को। तीसरी बार जा रही हूं मैं तो। तीसरी बार मैंने एक वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पर, वो वायरल हो गई थी। Thank you.
पास में हाँ हाँ रख थोड़ी रही है। व्यू देखो कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। मम्मी कैसे एंजॉय कर रही है कितना अच्छा लग रहा है व्यू साम पीछे का। व्यू कितना अच्छा हो रहा है पीछे का देखो। बोल रहे हैं कि फुफ्फो जान हमें चलो झूला झुलाने के लिए लेके भाग रहे तो अभी पूछ जाते हैं झूला झुलाने के लिए लेकर। चलो मियाँ रील बनाऊ पहले इनकी रुक जाओ दादी की रील बना दो। बोल दी थी देर से हम रील बना रहे तो चल रहे हैं बच्चों को झूला झुलाते हैं थोड़ा। और पानी में यहाँ पे करंट है मैं बता दिया अभी गार्ड ने कि यहाँ पे पानियों को अंदर हाथ डालना और फूलों को तोड़ना मना है। पर देखो कितने लंबे लंबी लाइने लगी पड़ी है हमें तो लग रहा नंबर ही नहीं आएगा बच्चों का। तो चलो झुलाते हैं इनको झूला जाओ लाइन लगा लो जल्दी से। चलो मैं लटक जाएगा चलो दिखा लटक कर मारा शेर छोटा गिर मत जाइयो उमेर ये बंदर कमन कमन ओ ये तो हार गया स्टार्ट होती। कितनी भीड़ हो रही है नंबर लगा के खड़े हैं बच्चे। बच्चे गए लटकने के लिए वहां पर हमारे आराम से बेटा बिस्मिल्लाह दो तीन चार पाँच छः सात वो पार कर लिया। ब्लॉक में लेती भी है चल तू ब्लॉक में ले रही मैं तेरे को ध्यान से बिस्मिल्लाह सीधा नहीं ऐसे बनाओ नहीं एक में नहीं एक हाथ से वो एक हाथ से वो मुझे पकड़ ही नहीं जा रहा बस कर जा वे जाके बैठ जाएगा। चलो तो अपनी फैमिली के साथ कैसे एंजॉय कर रहे हैं देखिए। अभी बच्चे तो ऊपर चढ़े उसमें गिर गए हम मुझे तो लटक ही नहीं गए बिल्कुल भी उसके ऊपर एक ही बारी पकड़ती नीचे लेकिन ज्यादा झूले नहीं है यहाँ पर थोड़े से ही है तीन चार झूले हैं। फोटो शूट ये कितना अच्छा लग रहा है ये ऐसा खड़ा रही हिलियो मत। तो बच्चों बताओ मुझे कैसा लगा। अच्छा हां मैं बताऊं मेरे का मुंह बना हुआ है क्योंकि मैं गिर गया था ना कैसा लगा बताओ।
गर्मी इतनी हो रही है, हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही, इतनी गर्मी हो रही है, बहुत गर्मी हो रही है। हम इसी वजह से लेट नहीं गए थे कि गर्मी हो रही थी बहुत, लेकिन लेट निकलने के बावजूद भी बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पर। तो अभी चलते हैं बाहर, बहुत गर्मी हो रही है, प्याज भी लग रही है, पानी वानी पियेंगे, पानी भी लेकर आए थे। चलो क्या धक्का दे देंगे, तो मैं आपको थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस पार्क में आप आ सकते हैं, अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय कर सकते हैं। इस पार्क की कोई एंट्री फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और यहाँ पर आप खाने का कुछ भी अलाउ नहीं है, बस आप पानी की बॉटल्स ला सकते हैं और खेलने के लिए ला सकते हैं, रैकेट क्रिकेट वगैरह खेल सकते हैं। और यहाँ पर इसको हम बोलते हैं हाथी पार्क, लेकिन इसका नाम हाथी पार्क नहीं, इसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय पार्क। तो यहाँ से कर लिया है अब हमने एग्जिट। दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कितना प्यारा लग रहा है फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर। आइसक्रीम जूस वगैरह मिलने की कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर ना। नींबू पानी, अरे हम नींबू पानी देख सकते हो, कितनी भीड़ हो रही नींबू पानी की दुकान पर। हमारे आ चुके हैं, सबने ले लिए बच्चों ने, मम्मी ने, तो हम सबने पी लिया। बच्चे बोल रहे हैं कि मोमोज खाने हैं, अब हम इतनी दूर आए मिंटी रोड, तो मोमोज ना खाए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इसलिए अम्मी ने कल चैलेंज में ही बोला था कि मुझे मोमोज खाने हैं, तो इनकी डिमांड ही पूरी करती। उन्होंने अच्छी एक्टिंग भी करी थी प्रैंक में, आप सबने देखा होगा वीडियो में कि मैंने कितनी अच्छी एक्टिंग करी थी। तो इसी खुशी में मम्मी को खिलाएंगे मोमोज और बच्चों को भी खिलाएंगे साथ में। के हैं हम मोमोज वाले के, देख सकते क्राउड कितना हो रहा है संडे वाले दिन। और मैं यहाँ से ले रही हूँ पानी की बोतल, नींबू पानी पीने के बाद ही प्यास हमारी भुजी नहीं थी, तो बच्चों को ही बहुत प्यास लग रही, तो मैंने यहाँ से ले ली एक पानी की बोतल, क्योंकि पानी का काम पानी ही पूरा कर सकता है, नींबू पानी नहीं। आप चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स, ये मोमोज की कितनी लंबी लाइन लगी हुई, ये सामने भी सब लोग बैठ के खा रहे हैं, बहुत ही क्राउड था यहाँ पर। ये देखिए संडे को तो स्पेशली और ज़्यादा रहता है, और यहाँ के मोमोज हमारे फेवरेट है, तो हमने मोमोज की दो प्लेट्स ले ली। तो स्टार्ट करते हैं अपने मोमोज। मोमोज तो हम सब ने खा लिए, फुल प्लेट, दो फुल प्लेट ले ली थी हमने मोमोज की। तो इनसे पूछते कैसा लगा मोमोज खा के, खुश हो गई? पूछे पेशाब आ गया क्या? पेशाब आ रहा। मैं पूछ रही मोमोज कैसे लगे? मोमोज अच्छे लगे, गरम गरम, काफी दिनों बाद खाए। दो प्लेट खा गई फुल। और तुम्हें कैसे लगे? मैंने पांच खाए। पूछ रही कितने खाए, कैसा लगा मोमोज? जा सब बता रहे कितने कितने खाए, मैं पूछ रही हूँ कैसा लगा, वो कह रहे मैंने इतने खाए इतने खाए। ये बैठे हुए हैं यहाँ पे, थक गए ये बच्चे घूम घूम के, और ये जलेबी खाने के लिए यहाँ रुके हैं। जलेबी ये बन रही है, अब भीड़ लग चुकी है जलेबी की दुकान पे। जलेबी आ चुकी है, बच्चों ने स्टार्ट भी कर दी खाना, इसी फेवरेट है। हमने कर लिया है घर के लिए, पेट पूरा सब चुका है, फुल पूरा, अब तो खाना खाने का ही मन नहीं कर रहा। ये उमेर बेटा है पीछे, चले घर अपने। कितना ट्रैफिक हो रहा है रुकमान गेट पे फ्रेंड्स। आ गए हम घर पर, आज के 10:30 बज रहे, हम आके फ्रेश होके सो गए थे क्योंकि काफ़ी थक चुके थे, और रात बाहर से खा कर तो इसलिए खाना भी नहीं खाया था, खाना भी लेट बस सबने खा लिया था, मतलब बच्चे वगैरह बच्चों ने भी खा लिया, खाना अम्यूर में रह गए थे क्योंकि बाहर से पेट भर गया था। खा लो, तो अब हम खा रहे हैं रात के 10:30 बजे खाना, तो स्टार्ट करते हैं खाना। आज खाने में क्या बना है मैं आपको दिखाती हूँ। खाने में बना है कीमा और आलू, तो स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाह करके। नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेंड्स, नाइट लग चुका है, हम ऑफिस के लिए रेडी हो चुकी है, तो मम्मी से पूछता है खाने में क्या बना है। खाने में
खाने में दाल बना के दी है, दाल और रोटी। कल जो ना दरअसल हमारी जो है ना बड़ी वाली भाभी, तो उनके अम्मी का कल इंतकाल हो गया। अच्छा भला बस गैस, उनका पेट में गैस बनी है और अस्पताल ले गए, अब वहाँ जाके इंतकाल होगा। डॉक्टर कह रहे हैं गैस उनके सीने पर अटक गई, तो इसलिए उनका इंतकाल हो गया। अच्छी वाली रात को बातचीत हुई सब कुछ, और सुबह इंतकाल हो गया उनका। और दूसरी बात, बेटे का आगे ऑपरेशन हुआ था मेरे, तो उसको जो ना कल 23 तारीख है ना, हाँ कल 23 तारीख है, तो डॉक्टर ने बुलाया टांगे कटे गए। कल 23 तारीख है तो कल लेकर जाऊंगी हॉस्पिटल, तो टांगे कटने के लिए। अब देखो पहले से सही है, मतलब पहले से बहुत फ़र्क है, सही से मतलब नज़र आ रही है, थोड़ा हल्का सा धुंधला वो भी सही हो जाएगा। 1.5 महीने का तो टाइम दिया डॉक्टर ने। और तीसरी बात क्या थी मेरी, सारे पॉइंट्स याद कर रखे। हाँ जो सब क्या था, प्रैंक जो कर, जो प्रैंक करा था, ऐसे नहीं है मेरे शोहर, माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, गाली वाली नहीं बकते। लेकिन उस दिन साइमा ने बहुत गुस्सा दिलाया था और बहुत कहा था, कहने लगी वो आते के साथ ही काम पे से कोई बंदा आया, आते के साथ ही जा रही हूँ और ये वो, तो थोड़ा सा गुस्सा पावर तो वो हो गया उनका, तो इसलिए मतलब उन्होंने थोड़ा सा बोला। नहीं वैसे बहुत अच्छे हैं, पता कैसे हैं पापा, बहुत अच्छे हैं, ख्याल रखते हैं अम्मी का, सबका ही रखते हैं, बिना रह नहीं सकते इसलिए वो गुस्सा हो गए। नहीं सबके लिए, सबका ही ख्याल रखते हैं, सबका मतलब घर के अंदर पूरी फैमिली का, सबका अच्छी तरह से, और बहुत शरीफ है, इतने सीधे हैं बहुत ज़्यादा। अभी चलाक हाँ अभी नहीं चलाक भी नहीं हूँ, मतलब ज़्यादा थोड़ा सा ये गुस्सा दिलाया था बस उनको, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई समझे पता नहीं है, इनके हस्बैंड गाली बकते हैं और पता नहीं ऐसे ही होंगे, नहीं ऐसे नहीं है बिल्कुल भी, नॉर्मल रहते हैं। हाँ सही है बिल्कुल, बस हमने गुस्सा ऐसे दिलाई था, आते ही वो हम बोले लगे हम जा रहे हैं ये वो, तो गुस्सा हो गया था। हाँ तो वैसे एकदम से थोड़ा सा हो गया, नहीं ऐसे नहीं है बिल्कुल। तो इसी के साथ करते हैं ब्लॉग को यहीं पर, उम्मीद करते हैं सबको पसंद आया है ब्लॉग, कैसा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। मिलते हैं ब्लॉग से जल्दी, तब तक के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को आगे लेके जाइए, आगे लेके जाओ, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, हर दुआ खैर में हमेशा याद रखते हैं। मिलते हैं ब्लॉग से जल्दी, तब तक भी अल्लाह हाफिज़, बाय, अल्लाह हाफिज़।